गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीबीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो सेंड करे जा रहे हैं उनको देख करके कॉपीज में वर्क को फेयर आउट करना है और लर्न करना है आपको। वीडियोस देखने के बाद में आप प्लीज लाइक करना ना भूलिए, उसे लाइक भी कीजिए। आज मैं आपको प्रेप क्लास में इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल ये बता रही हूँ। सिंगुलर मीन्स क्या? एक वचन। और प्लूरल मीन्स क्या? बहुवचन। यानी कि एक है तो सिंगुलर बोला जाता है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल बोला जाता है, बहुवचन बोला जाता है। हिंदी में हम एक वचन बहुवचन करते हैं, इंग्लिश में इसको सिंगुलर एंड प्लूरल बोला जाता है। हिंदी में हम कुर्सी लिखते हैं और बहुवचन में कुर्सियां लिखते हैं प्लूरल में, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एस लगा करके और फिर उस वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। एक से ज्यादा होता है तो हम उसको एस लगा करके लिखते हैं, जैसे टी ए बी एल ई टेबल। तो टेबल तो सिंगुलर है, टेबल क्या है? सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? टी ए बी एल ई एस। एस लगाते हैं ये वर्ड प्लूरल हो जाएगा। एक से ज्यादा होंगे टेबल तो हम क्या लिखेंगे? टेबल्स लिखेंगे, वो प्लूरल हो जाएगा। एक है तो सिंगुलर बोला जाता है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल बोला जाता है। टी ए बी एल ई टेबल यानी सिंगुलर एक है, और टी ए बी एल ई एस टेबल्स यानी प्लूरल यानी एक से ज्यादा है। ऐसे ही सी एच ए आई आर चेयर, तो एक है सिंगुलर है, और इसी का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? एस जोड़ करके बना देंगे, चेयर्स। एस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? चेयर्स बन जाएगा। बी ओ वाई बॉय है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बी ओ वाई एस बॉयज। गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, तो इसका प्लूरल क्या होगा? जी आई आर एल एस। एस जुड़ते ही ये वर्ड प्लूरल हो जाएगा। इन वर्ड्स में एस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। आ रही आपको बात समझ में? कैट है, कैट में एस जोड़ दो, सी ए टी एस लिख दो तो प्लूरल बन जाएगा। एक होता है तो हम सिंगुलर बोलते हैं, सी ए टी कैट, ये सिंगुलर है। एक कैट है, एक बिल्ली है, और एक से ज्यादा कैट है तो कैट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? कैट्स बोलेंगे। पीई एंड पेन, इसका प्लूरल हो जाएगा पीई एन एस पेंस। ठीक है, फिर पीई एन सी आई एल पेंसिल, तो इसका प्लूरल क्या होगा? एस लगा देंगे पेंसिल की स्पेलिंग के आगे, पीई एन सी आई एल पेंसिल, और उसके आगे एस लगा दिया तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया, पेंसिल्स हो गया ये। फिर सी ओ टी कॉट, कॉट यानी पलंग, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? सी ओ टी एस कॉट्स, ये प्लूरल हो जाएगा। सी ओ टी कॉट ये सिंगुलर है, सी ओ टी एस कॉट्स प्लूरल है। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे ही बनाना है, बी ए एन ए एन ए बनाना। बनाना मीन्स एक, बनाना एक केला, बनाना मीन्स केला होता है, तो एक होता है तो हम बनाना बोलेंगे। एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? बी ए एन ए एन ए एस, एस जोड़ देंगे तो बनानाज हो जाएगा। एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? बनानाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बनानाज। फिर है ओनियन, ओ एन आई ओ एन ओनियन, इसका प्लूरल क्या होगा? ओ एन आई ओ एन एस ओनियंस। क्या हो जाएगा? एस जुड़ जाएगा ओनियन में। ओनियन की स्पेलिंग ऐसी की ऐसी लिखनी है और एस जोड़ना है तो ये प्लूरल हो जाएगा। बी यू सी के ई टी क्या है? बकेट। बी यू सी के ई टी बकेट मीन्स एक बकेट, एक बाल्टी। इसका प्लूरल क्या होगा? बी यू सी के ई टी एस बकेट्स हो जाएगा। एस जोड़ देंगे हम तो बकेट्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आई आपको बात समझ में? एम यू जी मग, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे?
एम यू जी के आगे एस लगा देंगे तो मग्स हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। मग की स्पेलिंग के आगे एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। इन टेबल की स्पेलिंग के आगे एस लगाया था तो टेबल्स हो गया था। चेयर के आगे एस लगा दिया तो चेयर्स हो गया। बॉय के आगे एस लगा दिया बॉयज हो गया। गर्ल के आगे गर्ल्स लगा एस लगा दिया तो गर्ल्स बन गया। कैट कैट्स एस जोड़ दिया। पी एन पेन पी एन एस पेंस पी एन सी आई एल पेंसिल और एस लगा देंगे पी एन सी आई एल एस तो क्या बन जाएगा पेंसिल्स प्लूरल बन जाएगा। सी ओ टी कॉट सी ओ टी एस कॉट्स। बी ए एन ए एन ए बनाना इसके आगे भी हम क्या करेंगे बनाना की स्पेलिंग के आगे हम एस लगा देंगे तो बी ए एन ए एन ए एस बनानाज तो ये भी प्लूरल हो गया। ओ एन आई ओ एन ओनियन एक प्याज। ओ एन आई ओ एन एस ओनियंस मतलब एक से ज्यादा प्याज तो प्लूरल बन गया। बी यू सी के ई टी बकेट यानी एक बाल्टी। बी यू सी के ई टी एस बकेट्स बकेट्स मतलब एक से ज्यादा बाल्टियां तो प्लूरल एस लग गया। एम यू जी मग एम यू जी एस मग्स एस लगते ही प्लूरल हो गया। आगे आपको अब अच्छे से आप क्या करोगे इनको कॉपीज में टू टाइम्स लिखोगे। कितने टाइम्स लिखोगे टू टाइम्स। कितनी बार वर्क करोगे ये टू टाइम्स इंग्लिश की कॉपी में और फिर इनको लर्न भी करना है। फिर क्या करना है इनको लर्न भी करना है। ये सब कॉपी में फेयर आउट कर लेना टू टाइम्स और फिर लर्न करना ठीक है। थैंक यू।